खंडवा लोकसभा के साथ साथ अपूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान संभाल लिया है, जहां जयवर्धन सिंह जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। पिता दिग्विजय सिंह इन दिनों भले ही उपचुनाव की जंग से दूर नजर आ रहे हों, लेकिन पुत्र जयवर्धन सिंह लगातार उपचुनाव का मैदान संभालते हुए कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अब जयवर्धन सिंह खंडवा के साथ साथ जोबट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खंडवा हो या जोबट, दोनों ही जगह जयवर्धन को युवाओं का अच्छा खासा साथ मिल रहा है, जहां इसके बाद अब जयवर्धन जोबट की राह कांग्रेस के लिए आसान बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं जयवर्धन सिंह बीजेपी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के तीन गुट बताते हुए निशाना साधा। आपको अर्ज करना चाहता हूं, देश आजाद हुआ था सन 1947 में, उस समय पेट्रोल के दाम थे 70 पैसे, डीजल के दाम थे 20 पैसे। आजादी से लेके 2014 तक 67 साल में 15 प्रधानमंत्री रहे, उनके 67 साल के कार्यकाल में पेट्रोल में वृद्धि हुई 55 रुपए की, डीजल में हुई 45 रुपए की 67 सालों में, और अकेले मोदी जी के 7 साल के राज में उन्होंने वो काम करके दिखाया जो 67 साल में 15 देश के प्रधानमंत्री ने किया। अकेले मोदी जी ने 7 साल में पेट्रोल में 60 रुपए वृद्धि, डीजल में 55 रुपए वृद्धि। तो इतनी महंगाई क्यों? कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है, और इसीलिए जो आज आप माहौल देख रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। बिल्कुल नहीं, वो कई तो सिंधिया जी कहाँ है, नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ है, कैलाश विजयवर्गीय जी कहाँ है? आपको पता है आजकल चर्चा है भाजपा में कि भाजपा के अब हो गए तीन गुट, एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। तो आधी से अधिक भाजपा, चाहे वी डी शर्मा जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कि ना तो शिवराज भाजपा में है ना महाराज भाजपा में है, ये सब नाराज भाजपा में है। तो ये लोग तय कर ले जो नाराज भाजपा है उनका अध्यक्ष कौन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जयवर्धन सिंह पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जहां जैसे जैसे उपचुनाव पास आते चले जा रहे हैं, वैसे ही वैसे जयवर्धन का जोश भी बढ़ता चला जा रहा है। जोबट से एमपी न्यूज के लिए संजय वाणी और आशीष वाघेला की रिपोर्ट।